शुक्र के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे। अरे शुक्र, हम कह सकते हैं कि जिस तरह बड़ी प्यारी बात की थी मुफ्ती साहब ने कि शुक्र जितना आप करेंगे उतना आपका रिस्क भी बढ़ेगा, आपके पास जितनी भी चीजें वो बढ़ेंगी, अगर आप नहीं करेंगे तो कम होंगी। यानी हम कह सकते हैं कि शुक्र भी अल्लाह ताला से तिजारत है। कुरान मजीद फरकान हमीद ने तो डायरेक्टली इस बारे में कहा है कि लाइन शकर तुम लअजीदन्ना, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बहुत ज्यादा करूंगा, और अगर तुम कुफर करोगे तो ये जो नेमतें तुम्हारे पास हैं ये भी छीन ली जाएंगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंगली ऊंटों की तरह है अल्लाह की नेमतें। जंगली ऊंट किसी के हाथ में नहीं आते, ये वाले ऊंट तो आ जाते हैं, लोग बांधते हैं, दूध निकालते हैं, पालते हैं सबका, जंगली ऊंट किसी के हाथ में नहीं आते। फरमाया अल्लाह की नेमतें जंगली ऊंटों की तरह है, इसको शुक्र की रस्सी से बांध लो। शैतान जो है ना उसने टारगेट क्या किया, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को बेकाऊंगा, एक्सेस लिया, रिजल्ट क्या है, नतीजा ला तजिद, या अल्लाह फिर तू अक्सर हम शाकिरिन, उनमें से अक्सर को शाकिर नहीं पाएगा, वो अक्सर नाशुक्रे कर दूंगा। उसका टारगेट क्या है कि उसके बंदों को नाशुक्रा कर देना है, कि वो बहका क्यों रहा है। भाई खाना खिलाया अल्लाह ने, पानी पिलाया अल्लाह ने, जिस तरह प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब ने कहा इतनी नेमतें दी। कुरान मजीद फरकान हमीद फरमाता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, वाइन ताउदू नेमत अल्लाह है, अगर तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं पाओगे, काउंटिंग में नहीं ला सकते। अच्छा उसके बाद इतनी नेमतें लेने के बाद हम उसका शुक्रिया अदा ना करें, जब शुक्रिया अदा ना करें तो ये शैतान का टारगेट ये है कि ना शुक्रा करना है बंदे को, और जब बंदा ना शुक्रा हो जाता है तो उससे उसकी चीजें छिन जाती हैं। जैसा आपने सवाल पूछा, ये छिनती उसी वक्त है जब वो शुक्र अदा नहीं करता। हदीस पाक में है कि बंदा जब जो है अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया की नेमतें दे दे और वो फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने शुक्र अदा कर दिया। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी है इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़े, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैजाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।